महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में नेता पद पर राजू उनबरकर की नियुक्ति पर नागपुर शहर के मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा राजू उनबरकर के भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस स्वागत समारोह में उत्तर नागपुर से करीबन 150 से 200 लोगों ने मनसे में प्रवेश किया। कार्यक्रम में मनसे नेता राजू उनबरकर के स्वागत के बाद राजू उनबरकर के हाथों पार्टी में प्रवेश करने वाले युवाओं को रुपट्टा पहनाकर और नियुक्ति पत्र देकर सभी का पार्टी में स्वागत किया गया। इस बीच कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। भारी संख्या के साथ पार्टी में युवक युवतियों के प्रवेश पर प्रसन्नता जताते हुए राजू उनबरकर ने कहा कि जिस तरह राज ठाकरे साहब ने जिस तरह नए तरीके से पार्टी में पदों को भरा है, उसे देखा जाए तो नागपुर में उत्साह के साथ महाराष्ट्र नव निर्माण सेना बढ़ती जा रही है। इसी के साथ ही मनसे नेता राजू उनबरकर ने आगे कहा कि जिस तरह पहले नागपुर शहर कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, फिर भाजपा का हुआ, वैसे आगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का होगा। इसी तरह उन्होंने कहा कि आज जिस तरह भारी संख्या में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में कई युवाओं की नियुक्ति हुई है, इस बात से मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही महानगर पालिका चुनाव में भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आगे रहेगी। खर मल तर राज साहेबांनी अचानकपणे नेतेपदाची जबाबदारी माझ्यावर दिली, परंतु त्या आधीपासून साहेबांच्या डोक्यामध्ये नागपूर शहराचा विषय, नागपूर ग्रामीण आणि शहर आणि संपूर्ण विदर्भामध्ये एक मोठी पोकळी निर्माण झालेली आहे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला ते सर्व पोषक आहे। आम्ही पाहतोय आता गेल्या वेळेस साहेबांनी सर्व पदं बरखास्त केल्यानंतर नव्याने ज्या पद्धतीने पदं भरण्यात आलेली आहेत आणि तो उत्साह आपण जर पाहत असाल तर नागपूरमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जोमाने वाढत चाललेली आहे। खऱ्या अर्थाने बेरोजगारीचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात आहे। जी बेरोजगारी आपण जर प्लॅनिंगनी जर केलं तर इथं बेरोजगारी राहणार नाही। शेतकऱ्याचा फार मोठा मुद्दा आहे, शेतकरीसुद्धा मोठ्या संकटात आहे। आपण पाहिलं असेल तर जवळपास या 3 वर्षामध्ये 4,990 आत्महत्या कास्तकऱ्यांच्या झाल्या, या 7 महिन्यामध्ये 780 आत्महत्या कास्तकऱ्यांच्या झाल्या, हे ऑन रेकॉर्ड आहे। आणि आत्महत्या का होतात याच्याकडे सरकार आणखीन गांभीर्याने पाहायला तयार नाही। खऱ्या अर्थाने मी तर असं म्हणेल की इथले जे राजकीय लोक आहेत ते कुठेतरी कमी पडत आहेत। असेल ना गड, सन्माननीय साहेबांनी तुम्हाला एकदा भाषणात सांगितलं होतं की यापूर्वी काँग्रेसचा गड होता, त्याच्यानंतर भाजपचा झाला, पुढच्या वेळेस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा होईल। प्रत्येकाची एकाचीच बाजू नसते आणि ज्या पद्धतीने इथल्या शहर पदाधिकारी कार्य करतायत आणि मला निश्चितच असं वाटतं की आम्ही महानगरपालिकामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चांगली वरचढ राहील। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोळ के साथ अक्षय अंसारी, BCN न्यूज नागपूर।